गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पहले भी डिस्कस की थी और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम आगे की कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनका डिस्कस करेंगे और उनका प्रूफ तैयार करते हैं। उसके बाद आगे उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे। तो हमारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में देखिए, हम बात करते हैं आज टेन इनवर्स के ऊपर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि एक्स वाई है वो छोटा होगा एक से, एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन लेस देन वन रहेगी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एक। एक दूसरी प्रॉपर्टी इसी के है ऊपर नेगेटिव फॉर्म में, टेन इनवर्स एक्स प्लस की जगह पे माइनस होती है तो भी बनती है प्रॉपर्टी। लेकिन हम इसके प्रूफ को तैयार करते हैं, इसी के प्रूफ के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसके प्रूफ के और चलते हैं। देखिए प्रूफ हमारा क्या है इसमें, इसका प्रमाण देखिए। ये प्रूफ हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है। एनुअल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, एचबीएससी में यानी हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है कई बार इस तरह का क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखें कि इनका जो प्रूफ है ज्यादा बड़े प्रूफ नहीं है, छोटे छोटे प्रूफ है वो हमें तैयार करने पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x में दिए हुए दोनों, और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इन दोनों को पुट करने चलेंगे। लेट पुट है tan इनवर्स x को a के बराबर लिख लेंगे और tan इनवर्स y को हम b के बराबर रख लेंगे। अब देखिए जब tan इनवर्स x a के बराबर है, इसका मतलब tan इनवर्स x है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके पास a के इक्वल आई हुई है। tan इनवर्स x इक्वल टू a है, इट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो a है ये बिलोंग करेगा tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। इसी तरह से जब tan इनवर्स y इक्वल टू b है तो b बिलोंग करेगा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर tan इनवर्स की माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल में। ठीक है, इसको मैं आगे लिखना चाहूंगा तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कि x इक्वल टू tan a और y इक्वल टू tan b, y इक्वल टू tan b, ये मेरे पास x और y की वैल्यू बन जाएगी। यहां से मेरे को प्रूव क्या करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पे देखिए tan की फॉर्म में ही आपके पास सारे लेफ्ट और राइट साइड में है, तो यहां पर मैं tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूंगा जो 11th क्लास में आता है, और वो फॉर्मूला ये होता है tan a जमा b का। tan a जमा b का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। फॉर्मूला होता है tan a जमा tan b, tan a जमा tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और इसी फॉर्मूले से आपका ये इनवर्स फंक्शन का जो फॉर्मूला है ये जनरेट होता है। देखिए यहां ये tan a जमा b हमारा एज इट इज रहेगा, tan a जमा b एज इट इज। tan a की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं x, tan b की जगह मैं रख देता हूं y अपॉन वन माइनस एक्स वाई बन जाता है, और यहां से फिर a जमा b बराबर बन जाता है tan इनवर्स x जमा y अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x जमा y अपॉन है tan इनवर्स x जमा y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई, ये आपका a जमा b के बराबर आ गया। तो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, tan इनवर्स के बराबर में आपके पास अब a जमा b आया है, तो a जमा b tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए, और ये भी हम देखेंगे, लाई करवाएंगे यहां पे, हम सिद्ध करेंगे इसको।
ए जमा बी को टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करवाएंगे हम यहाँ पे, सिद्ध करेंगे उसको, यानी एडजस्ट करवाएंगे इसको, लाई करवाएंगे हम। और यहाँ पर ए और बी का मान आप पुट करते हैं, ए का मान टेन इनवर्स एक्स, बी का मान टेन इनवर्स वाई, तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स जमा टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स जमा वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। यही हमारी प्रॉपर्टी होती है। शायद प्रॉपर्टी तो आपकी सिद्ध हो गई, लेकिन ये कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर हमने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, इस कंडीशन को भी हम लेके चलते हैं। जब ये कंडीशन यहाँ पे लगी होती है तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक्स वाई की गुना है वो एक से कम है, एक्स वाई की गुना जब एक से कम है इसका मतलब यहाँ पे एक्स और वाई है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे चार पोजीशन में हो सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू है वो चार तरीकों से यहाँ ली जा सकती है। क्या क्या आपके पास बनाया जा सकता है देखिए, कौन कौन से यहाँ पे पार्ट्स बन सकते हैं। एक पार्ट ये बनेगा कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, तब आपके पास एक्स वाई का मान एक से कम आ जाए। दूसरा पार्ट ये बनता है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, y के वैल्यू भी नेगेटिव हो, और फिर एक्स वाई की गुणा करेगा एक से कम आ जाए। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि x ग्रेटर देन जीरो हो, y लेस देन जीरो हो, और चौथे पार्ट में x लेस देन जीरो हो, y ग्रेटर देन जीरो हो। तो आपके पास ये चार कंडीशन बन पाएंगी, चार केस बनते हैं यदि x और y की गुणा एक से कम होती है तो। इन चारों केसेस को हम सॉल्व करेंगे और चारों केसेस के ऊपर tan inverse x जमा tan inverse y की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं पहले दो पार्ट है इन पे डिस्कस करना चाहूंगा, पहले दो पार्टों पे। हालांकि क्वेश्चन के अंदर जो दिया जाता है, यानी बोर्ड में जो दिया जाता है क्वेश्चन, उसमें कंडीशन बहुत कम दी जाती है, यानी कि ये चार कंडीशन है इनमें से कंडीशन देने का बहुत ही कम चांस होता है। वो केवल इतना ही सिद्ध करवाएगा आपसे कि tan inverse x plus tan inverse y इसके बराबर सिद्ध कीजिए, वहां कोई कंडीशन नहीं दी होती है, वहां पे आपको केवल इस तरीके से सोल्व करना होता है सिंपली। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस के बारे में भी बताना चाहूंगा कि एक्स वाई की वैल्यू वो चार तरह से ली जा सकती है। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पार्ट यानी पहली कंडीशन ये है कि एक्स का मान बड़ा हो और वाई का मान भी बड़ा हो जीरो से, और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन वन होगी। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी। तो इन हालातों में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को हम कैसे प्रूव कर पाएंगे, किस तरह से ये कंडीशन हमारे क्या काम आएगी, ठीक है, इस कंडीशन का हमारे लिए क्या यूजफुल है। देखिए जब x का मान हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो इधर आ जाइए, अब ध्यान से देखिए, देखिए x यहां है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो a का मान क्या होगा अब ये देखना होगा हमें। x की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो a का मान क्या होगा, ए हमारे पास कहां बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव का, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा हुआ, पॉजिटिव का। एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि ये जो टेन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव कहां होगी, टेन की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में होगी, तीसरे में हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ए का जो मान है वो केवल चौथे क्वाड्रेंट और पहले क्वाड्रेंट में ही है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो ए होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जीरो से पाई बाई टू में बिलोंग कर पाएगा। इसके अकॉर्डिंग, ये तो आपका जनरल क्वेश्चन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसी तरह जब वाई पॉजिटिव है, वाई का मान यानी कि टेन बी का मान पॉजिटिव है, tan b पॉजिटिव कब होगा, पहले क्वाड्रेंट में या तीसरे क्वाड्रेंट में, लेकिन b कहां बिलोंग कर रहा है, b चौथे में और पहले में, तो इसका मतलब b भी पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, तभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट भी लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लाई करता है। तो फोर्थ में तो ले नहीं सकते क्योंकि यहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि tan b का मान पॉजिटिव है, तो b का मान क्या लेना पड़ेगा हमें, तो b का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा कोई भी होगा, ठीक है। आप देखिए आपके पास a की वैल्यू होगी जीरो से पाई बाई टू, b की वैल्यू भी होगी जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। अब इसके बाद में
हम ए जमा बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आती है ए जमा बी की? क्यों निकालते हैं हम? क्योंकि हमने जो प्रूव किया था यहाँ पे थ्योरम में, तो वो ए जमा बी के बराबर में आया था, देखो ये सारा। इसलिए हम ए जमा बी की वैल्यू देखेंगे, ए जमा बी की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी। तो ए जमा बी की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, यहाँ देखिए, ए जमा बी की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जीरो से लेके और पाई के बीच में बिलोंग करेगा। जीरो से पाई यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया ए जमा बी का सेटिस्फेक्शन नियम, जो भी आपके पास आउटपुट आया है। अब यहां आपकी रिजल्ट के अनुसार देखिए ए जमा बी का क्या आएगा। भाई ए जमा बी किसके बराबर है? टेन इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब ए जमा बी है वो टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है। इसका मतलब ए जमा बी कहां बिलोंग करेगा? ए जमा बी बिलोंग करेगा टेन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में। इट मींस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में बिलोंग करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ और फर्स्ट हो गया। तो अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, उसी क्वाड्रेंट के अंदर ये फॉर्मूला आपका जनरेट होगा। कॉमन आपका यहाँ पे देखो फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी है। इसका मतलब ए जमा बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो से लेके पाई बाई टू तक रहेगी, जीरो से लेके पाई बाई टू तक रहेगी ए जमा बी की। और जीरो से पाई बाई टू आपका टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका रिजल्ट है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। इस तरह से हमें चलना है, क्वेश्चन को करके दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में हम इसको लेते हैं और इसके ऊपर कम से कम हमारे पास 30 से 40 क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे पास 30 से 40 क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, बनते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी हमारे पास क्या है इस तरह से। अब अगली कंडीशन की बारी आती है, जैसे कि एक्स लेस देन जीरो वाई लेस देन जीरो, ये कंडीशन भी आपको इसी तरह से सोल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x का मान नेगेटिव, y का मान भी नेगेटिव हो जाता है। x का मान नेगेटिव यानी कि tan a का मान नेगेटिव, और tan कहाँ नेगेटिव होता है? या तो दूसरे क्वाड्रेंट में या फिर tan होता है चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब आपको यहाँ पे देखना है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो आपके पास चौथा क्वाड्रेंट आएगा। जैसे कि यहाँ हमने a का मान जीरो से पाई बाई टू लिया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। यदि x का मान लेस देन 0 हो और y का मान लेस देन 0 हो और xy का मान लेस देन 1 हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? x का मान लेस देन 0 होता है तो देखिए यहां जी इस कंडीशन के ऊपर यदि x का मान छोटा है 0 से, तो ध्यान से देखिए यहाँ जी x का मान छोटा होगा 0 से, नेगेटिव का होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा tan नेगेटिव बन गया। और पूरा का पूरा tan नेगेटिव बन गया तो इसका मतलब tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो a का मान कहाँ बिलोंग करेगा? a का मान तो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब a का मान कहाँ बिलोंग करेगा? नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए टेन की, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, क्योंकि a की वैल्यू है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का मतलब होता है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि x नेगेटिव है, x नेगेटिव का मतलब हमें tan की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें? कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगी? फर्स्ट में मिलेगी या फोर्थ में? फोर्थ में मिलेगी, यानी कि माइनस पाई बाई टू से जीरो में मिलेगी, माइनस पाई बाई टू से जीरो में। इसी तरह y भी लेस देन 0 है तो यहां से b का मान भी बिलोंग होगा, वो माइनस पाई बाई टू से 0 में ही आएगा। दोनों का अगर हम प्लस करके देखते हैं, क्योंकि हमें तो a जमा b के लिए सोल्व करना होता है, a जमा b की वैल्यू होती है इसके बराबर, तो a जमा b की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी हो जाएगी माइनस पाई से, इनको भी ऐड करेंगे माइनस पाई से 0 के बीच में आ गया, ठीक है। अब यहां पे आपके पास a जमा b की वैल्यू आई माइनस पाई से 0, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड और फोर्थ हुआ। माइनस पाई से 0 थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखिए मैं यहां बता देता हूं आपको, यहां होता है आपका माइनस का पाई बाई टू, यहां होता है माइनस का पाई, यहां जीरो।
तो ये थर्ड और ये फोर्थ, इन दोनों क्वाड्रेंटों में माइनस पाई से जीरो आपका आ जाएगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आ जाओ, ए जमा बी इस आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग ए जमा बी है वो टेन इनवर्स के बराबर है, इसका मतलब ए जमा बी कहां बिलोंग करेगा, टेन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में। और टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, देखिए टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है। अब इसमें कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, इसमें हुआ आपका फोर्थ एंड फर्स्ट। अब इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन बने हैं, इट मींस ए जमा बी कहां बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई बाई टू से जीरो में। यदि ए जमा बी की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में लाई करती है तो आपका ये फॉर्मूला यहां पे जनरेट होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी दो कंडीशन मैंने बताई हैं और इन दोनों कंडीशन से आपका ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इस तरह का आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करना चाहेंगे, इसी के ऊपर एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं। कई बार क्या होता है कि एक्स वाई का मान एक से ज्यादा आ जाता है, एक से ज्यादा, ये दो पार्ट बच गए ना, ये दोनों पार्ट आप इसी तरह से करके देख सकते हो। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं यहां पे कि एक्स वाई का मान अगर एक से ज्यादा हो तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा बदली हो जाता है। इसमें मैं यहां लिख देता हूं, एक्स पॉजिटिव हो वाई पॉजिटिव हो और एक्स वाई भी बड़ा हो एक से, तो ये जो फॉर्मूला आपका है tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y बराबर होता है पाई प्लस में tan इनवर्स x जमा y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। tan इनवर्स x जमा y अपॉन वन माइनस में एक्स वाई, और यहां पाई एड हो जाएगा। यदि आपके पास ये कंडीशन हो x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। और अगर ये दोनों नेगेटिव में हो, x लेस देन आ जाए ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाए, यहां y ग्रेटर देन से लेस देन आ जाए तो यहां पाई की जगह माइनस पाई हो जाएगा और प्लस में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ये बदलाव क्यों होता है, ये बदलाव होता है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है ये कंडीशन यहां पे होल्ड नहीं कर पाती है, जैसे यहां पे तो होल्ड कर रही थी a प्लस b माइनस पाई बाई टू से जीरो, और माइनस पाई बाई टू से जीरो क्या होता है tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर जाता है। अब ये होल्ड हो गई, कई बार क्या होता है ये होल्ड नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है पाई प्लस या पाई माइनस से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इसलिए ये फॉर्मूले आपके चेंज हो जाते हैं। ये फॉर्मूले बहुत ही कम यूज होते हैं, बाकी हमें ध्यान रखना है नॉलेज के लिए। ये तो आपकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग था। इसके बाद अगर मैं यहां पे एक्स वाई लेस देन और ग्रेटर देन तो मैंने बता दिया, इसके अलावा मैं बात करूंगा अब नेगेटिव फॉर्मेट में, यानी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाए तो हम क्या करें, देखिए आगे बात करता हूं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई। और ये कब लगती है प्रॉपर्टी, जब एक्स वाई की वैल्यू माइनस एक से बड़ी हो, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू माइनस एक से बड़ी हो तब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये यूज करनी है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई होता है, और ये कब यूज होती है, जब एक्स वाई की वैल्यू बड़ी हो माइनस एक से, ठीक है। इसके ऊपर भी इसी तरह से चार कंडीशन बनती है और हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे अभी अभी चार तरीके बताए थे वैसे ही हम इनको सिद्ध करेंगे। बाकी तरीका इसका भी यही है कि हम tan इनवर्स x को पहले पुट कर लेते हैं a के बराबर, tan इनवर्स y को हम पुट कर लेते हैं b के बराबर। यदि tan इनवर्स x a के बराबर हमारे पास आता है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि a कहां बिलोंग करेगा, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में बिलोंग करेगा।
इसी तरह यहां पे बी बिलोंग करेगा, वो भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करेगा, ठीक है नहीं। अब इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा tan b। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्यों लेते हैं हम, क्योंकि यहां पर हमारे पास tan inverse x माइनस tan inverse y है, सॉरी यहां tan inverse x माइनस tan inverse y है, तो आप आपको a माइनस b लेना पड़ेगा। अगर यहां प्लस होता है, पिछले क्वेश्चन में प्लस था तो हमने यहां प्लस लिया था, तो यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे हम tan inverse a माइनस tan inverse b अपॉन वन प्लस में tan a इंटू tan b। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, tan a की वैल्यू है वो x, tan b की वैल्यू है y, यानी ये आ जाएगा x माइनस y अपॉन में वन प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा tan a माइनस b। अब जो tan है वो इधर आके tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब a प्लस b यहां, सॉरी a माइनस b है, तो a माइनस b की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है यहां पे देखिए tan इनवर्स x, और b की वैल्यू है tan इनवर्स y, तो a की जगह पे हम tan इनवर्स x रखें, b की जगह tan इनवर्स y रखें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से देखिए tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y हो जाएगा, ये बड़ा a के जगह पे tan इनवर्स x और b के जगह पे tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, और ये इसके इक्वल टू में आ गया। बाकी कंडीशंस हमें उसी तरह से सॉल्व करनी है, चार कंडीशन इसमें बनेंगी, x y दोनों ग्रेटर देन और जीरो से पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, या y पॉजिटिव x नेगेटिव, ठीक है, ये आपकी चार कंडीशन इसमें बनती है। ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है tan इनवर्स के अंदर। अब आगे हमारे पास आ जाएंगे अगली प्रॉपर्टी के रूप में, एक रिलेशन आएगा टू tan इनवर्स x का रिलेशन, अलग अलग इनवर्स फंक्शंस के रूप में आएंगे। जैसे देखिए आगे हमारे पास ये रिजल्ट होता है टू tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यदि x का मान माइनस एक से एक के बीच में हो कंडीशन, फिर यही 2 tan इनवर्स x होता है, ये sin इनवर्स x के रूप में भी लिखा जाता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कंडीशन यही रहेगी माइनस एक से एक, और 2 tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स x की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, और कंडीशन होते हैं यहां पे x यहां पर 0 से इनफिनिटी रहेगा, ये होती है कंडीशन। देखिए ये 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टीज इनके बराबर होती है tan इनवर्स में, sin इनवर्स में और cos इनवर्स में। मैं यहां पे आपको एक पार्ट प्रूव करके दिखा रहा हूं, बाकी के आपको सिद्ध करने हैं खुद। तो यहां पे देखिए फर्स्ट वाला पार्ट, हमें इन तीनों पार्ट्स में पुट करना पड़ेगा tan इनवर्स x को थीटा के बराबर। अगर tan इनवर्स x थीटा के बराबर है तो थीटा कहां बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा इसके प्रिंसिपल वैल्यू में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में बिलोंग करेगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी। अब देखिए यहां पे हमारे पास tan 2 tan इनवर्स की बात कर रहे हैं, tan इनवर्स में दिया हुआ है लेकिन 2 के साथ मल्टीपल है, तो 2 tan इनवर्स है उससे रिलेटेड हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, हम जानते हैं ये फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। देखिए प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी वो आप यहां पे प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूफ आप दिखा रहे हो, तो इस प्रूफ के लिए आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद हो पीछे, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहां से देखिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x रख दीजिए,
और यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि टेन इनवर्स है वो आपके पास टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 थीटा के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा है वो टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। तो इसको हम यहां पे कंडीशन के अकॉर्डिंग सिद्ध भी करके दिखाएंगे। 2 थीटा है वो टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे आता है, देखो थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है यहां पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर। एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस वन से वन में। तो देखिए ध्यान से एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस वन से वन में। एक्स की जगह पे रख दो टेन थीटा। अब ध्यान से देखिए एक्स की जगह पे हमने टेन थीटा रख दिया, टेन थीटा का मान माइनस एक्स से एक कब होगा, थीटा का मान किस लिए कितना होगा, थीटा का मान कितना लिया जाए ताकि माइनस एक और एक के बीच में वैल्यू आए। तो थीटा का मान हम लेंगे यहां पे माइनस 45 डिग्री से प्लस 45 डिग्री, तभी आपका माइनस एक से एक आ पाएगा। भाई थीटा का मान जैसे मैंने यहां 45 डिग्री रख दिया तो टेन 45 वन हुआ, माइनस 45 रखें तो माइनस वन हुआ, इनके बीच की वैल्यू जो अपने पास आ जाएंगी लेस देन और देन इक्वल टू तो है नहीं इनमें। अब हमें 2 थीटा के बारे में बताना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो 2 थीटा भी किसमें बिलोंग कर रहा है, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में। देखो टेन इनवर्स के बराबर में ये आ गया ना, इसका मतलब ये समझो कि ये 2 थीटा है ये टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में है, और अगर नहीं होता तो हमें एडजस्टमेंट करनी होती, इसलिए बहुत से क्वेश्चंस में पाई माइनस या पाई प्लस होता है। तो यहां पे तो 2 थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली है, तो 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगी, तो इसका मतलब टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में ही हो गया ये बिलोंग। अब आप यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 2 इंटू में थीटा, थीटा का मान रख दो यहां पे, थीटा का मान यहां से टेन इनवर्स एक्स आपके पास है, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के। ये आपका प्रूव हो गया, दिस इज प्रूव, हैज प्रूव। तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट सिद्ध करके दिखाने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमारे एग्जाम बेसिक रिजल्ट है सारे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को आगे लेके चलेंगे और इनके ऊपर बेसिक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बताएंगे आपको। थैंक यू।